हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सोलमेट शबाना। आज मैं अपने टैरो कार्ड्स के साथ आपके पास आई हूँ और आपके लिए प्रेडिक्शन करूँगी टैरो कार्ड्स के साथ। कब की? 2020 जनवरी की। जी हाँ, ये आप प्रेडिक्शन अपना वेस्टर्न जोडिया के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं और अपनी मून राशि के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। अब मैं करने जा रही हूँ वर्गोस के लिए प्रिडिक्शन। तो देखिए टैरो कार्ड्स मुझे बताइए वर्गोस के लिए 2020 का जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो लेट्स सी, देखिए आपसे ये कितनी कनेक्ट होती है। वर्गोस के लिए पहला कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा गड़बड़ाने वाला है। या तो आप किसी से पैसे मांगेंगे या फिर जिसको आपने पैसे दिए हुए हैं वो आपको नहीं लौटाएगा। मुझे वो चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आएंगे, इसलिए अपना पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करिएगा। किसी से लोन मत लीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है वो उतारना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साथ में आपकी आई है क्वीन ऑफ कप्स, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपका जो है ये फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है ये थोड़ा गड़बड़ाने वाला है। लोन तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि आपको चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ, ये सारे आपके तीनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत तेज़ी से प्लानिंग भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपको बहुत सारी पावर चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे कामों के लिए आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, आपको पावर भी चाहिए, आपको टीम भी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या क्या कर जाएं, बहुत प्लानिंग चल रही है। और साथ में आपका जो अच्छा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्स। ये बता रहा है आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो उसका फ्रूट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल 101% मिलेगा, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है जिस दिशा में आप चल रहे हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग है। वो उसका आपको रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आगे चल के उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और उसके बाद आता है द मून का कार्ड और देन एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये ज़रा बता रहा है कि रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मूड स्विंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है। आप रिलेशनशिप्स में कोई जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसमें वक्त लगा रहे हैं कि आपने आपको किसी के साथ रिलेशन रखना है या किसी के साथ रिलेशन नहीं रखना है, या किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी नहीं बन रही है, या आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या ठीक नहीं है। तो ये आपका इस दिख रहा है जनवरी के मंथ में ये आपको दिक्कत थोड़ी सी रहने वाली है। आपको क्या करना है, आपको जो है रोज़ हरी सब्जियां जितनी आप खा सकते हैं उतना आप अपना इनटेक करिए, जितनी हरी सब्जी खा सकते हैं। अगर रोज़ हरी सब्जी नहीं खा सकते हैं तो आप कोई जो है धनिया की पुदीने की चटनी बनवा लीजिए और रोज़ थोड़ी सी खाने, तीनों टाइम खाना खाते हैं, तीनों टाइम थोड़ी सी ज़रूर खाएं, जिससे कि आपका बुध जो है वह मजबूत होगा और वो आपके अंदर जो वो एक आग जल रही है ना, एक जो आपको गुस्सा सा आ रहा है और इरिटेशन है, और वो आपकी शांत होगी, आपको प्लानिंग करने में भी आपको मदद करेगी। साथ में अगर आपको कहीं पर एमरल्ड अगर आप पहन सकते हैं, एमरल्ड जेम आप पहन सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व होती चली जाएंगी। राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट करेज आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज फॉर जनवरी। थैंक यू, टेक केयर।